द गार्डन पार्टी बाई जिम कैथरीन मैंसफील्ड। देखो कैथरीन मैंसफील्ड जिनका जन्म 1888 में हुआ था, अक्टूबर में हुआ था उनका जन्म, और मरी थी 1917 में, न्यूजीलैंड में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? न्यूजीलैंड। और फिर ये न्यूजीलैंड से, वहां से वो 13 साल के उम्र में, लगभग 13-19 के आसपास में वो वहां से ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड वो आ गई थी। तो शुरुआती दौर का स्कूलिंग जो है ना, कुछ हद तक उन्होंने न्यूजीलैंड में कंप्लीट किया, और फिर बाकी का जो उन्होंने स्टडी कंप्लीट किया वो लंदन में यानी कि इंग्लैंड में, ठीक है, लंदन में उन्होंने कंप्लीट किया बाकी का पढ़ाई। और बाय प्रोफेशन, एक्चुअली यहां मैंने लिखा भी है कि वेलिंगटन गर्ल्स कॉलेज है ना, और भी एक दो कॉलेजेस थे जहां से उन्होंने अपना अपना स्टडी जो है ना कंप्लीट किया था। शॉर्ट स्टोरी राइटर थी ये, शॉर्ट स्टोरी लिखा करती थी उस जमाने में, ठीक है ना। राइटर लोगों का बहुत कीमत होता था उस जमाने में, अभी भी है, आज भी है ना, उस जमाने में और भी ज्यादा कीमत होता था, किताबें छपती थी, काफी नाम होता था उन लोगों का। ओके, पोएटेस भी थी, मतलब पोएम लिखा करती थी, पोएट्री भी उन्होंने लिखा है। इनका जो शॉर्ट स्टोरी या कोई भी चीज जब लिखती थी, इनके राइटिंग्स का जो थीम होता था वो होता था फैमिली, माने फैमिली बैकग्राउंड को लेकर के चलती थी, रिलेशनशिप जो होता है, और वॉर, स्पेशली वॉर वगैरह को लेकर के, क्योंकि उस समय में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सब हो रहा था और कंप्लीट हो रहा था, तो उससे रिलेटेड वो लिखती थी जो भी शॉर्ट स्टोरी हुआ। द फ्लाई, ये सब नामी लेसन है जो उन्होंने लिखा है। द फ्लाई ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है। द वोमेन एट द स्टोर है ना, ये पोएट्री है उनका। प्रिल्यूड, ब्लीश, ऐसे बहुत सारा पोएट्री भी उन्होंने लिखा है, शॉर्ट स्टोरी उन्होंने लिखा है। देखो उस समय में एक बीमारी फैला हुआ था बहुत ज्यादा, बहुत सारे राइटर्स भी उससे डेथ हुए थे, वो था ट्यूबरक्लोसिस। तो सी डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज टीबी, टीबी नाम के बीमारी से इनका डेथ होता है उस जमाने में, ठीक है ना। लाइलाज था, मतलब इसका कोई इलाज ही नहीं था, जैसे आजकल कैंसर है ना और क्या क्या सब बीमारी है ना, तो उसका कोई इलाज ही नहीं है, मैंने प्रॉपर इलाज नहीं है, उस जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं था टीबी का। अभी तो खैर टीबी पूरा कंट्रोल्ड है, लेकिन उस जमाने में टीबी का कोई इलाज नहीं था, और उससे वो डेथ कर जाती हैं। और भी लोग थे, और ये ब्रिटिश जितने भी मतलब राइटर हुआ करते थे उस जमाने के, जैसे डीएच लॉरेंस है ना, तुम्हारे वर्जीनिया उल्फ है ना, एंटन चेकॉव, हालांकि वो रशियन थे, लेकिन इन सब, ये लोग सब ना एक समय से, मैंने सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे, इंस्पायर्ड भी थे एक दूसरे से, और फिर इन्होंने लिखना शुरू किया था। शॉर्ट स्टोरी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। शॉर्ट स्टोरी देखो, कोई एक कैरेक्टर के आसपास अगर पूरा कहानी घूमता रहता है, एक या दो कैरेक्टर के आसपास पूरा कहानी अगर घूमता रहता है, भले ही वो 4 पन्ने का हो, 7 पन्ने, 10 पन्ने का हो, मगर वो शॉर्ट स्टोरी ही कहलाएगा। तो ये चैप्टर भी शॉर्ट स्टोरी है। ओके, नाउ गार्डन पार्टी। गार्डन पार्टी ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताऊं। पुराने जमाने में, आज मैं अगर राइटर के ही समय की बात करूं, तो 1913 में ये चैप्टर लिखा गया था, तो आज से 100 साल पहले का बात, मोर और लेस 100 साल पहले का हो गया कहानी। तो 100 साल पहले कोई भी पार्टी वगैरह जो होता था, जो रिचेस्ट लोग, देखो पार्टी तो रिचेस्ट लोग ही मनाते थे, जो लोग पैसे वाले थे उस जमाने में। हमारे खानदान में, हम लोगों के परिवार में पार्टी बोल के कोई शब्द ही नहीं हुआ करता था, ढंग से भोजन मिल जाए यही बहुत है, है कि नहीं। जो रिचेस्ट लोग थे ना, वो लोग पार्टी मनाया करते थे, और वो लोग जो पार्टी मनाते, आज आज क्या है, आज मोटा मोर और लेस जो मिडिल क्लास है, चाहे थोड़ा सा रिच है, वो सब लोग अपना पार्टी मनाने के लिए बैंकेट हॉल बुक कर लेते हैं, या कोई मतलब है ना, कोई बड़ा सा
हॉल बुक कर लेते हैं या लॉज बुक कर लेते हैं, बहुत बड़ा मतलब पार्टी करने के लिए आज सारे लोग। लेकिन उस जमाने में क्या होता था, जो रिचेस्ट लोग थे वही लोग पार्टी वगैरह बहुत ज़्यादा अरेंज करते थे, और ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पार्टी, मतलब जो तो पार्टी, जैसे तैसे पार्टी, है ना। कुत्तों का भी जन्मदिन का पार्टी मना लेते हैं लोग, है ना। देखोगे पता चला कि क्या किस चीज़ का पार्टी था, तो कुत्ते का बर्थडे था, उसका केक कट रहा है। तो पैसा है ना, पैसा है, बेवजह का खर्च करना है, बढ़ाते रहना है, तो पार्टी है ना। तो खैर ये, हालांकि ये गार्डन पार्टी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये वो कुत्ते वाला कहानी नहीं है, मतलब एक पार्टी उन लोगों ने अरेंज किया। दे वेर द रिचेस्ट वन, है ना, दे वेर द रिचेस्ट वन। हाँ, उनका एक बांग्लो है जिस कहानी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये मिस्टर एंड मिसेस सेरेडॉन के घर का कहानी है। ओके, मिस्टर और मिसेस सेरेडॉन के घर का कहानी है, ब्रिटिश स्टोरी है, मतलब इंग्लैंड का कहानी है, वहीं का ये टोटल एनवायरनमेंट है, टोटल एटमॉस्फेयर भी वहीं का है। अब समझ लो कि एक छोटा सा बांग्लो टाइप का इनका अपना घर है, रिच है वो लोग अपने एरिया के, सब माने ऑलमोस्ट रिचेस्ट फैमिली है। और इनके घर में जो भी बच्चे लोग हैं ये सब मिलजुल करके एक पार्टी उन्होंने अरेंज किया है। अब वो लोग पार्टी जो अरेंज करते थे उस जमाने में, जो मैं कहने जा रहा था कि हम लोग तो बैंकेट हॉल में मना लेते हैं, लेकिन उस जमाने में जो पार्टी होता था, जैसे ये पूरा माने बड़ा सा एक महल है या बड़ा सा बिल्डिंग है, बड़ा सा माने घर है, सामने में लॉन एरिया है पूरा, है ना, सामने पूरा खाली एरिया है, हरा भरा है ना, पूरा प्लांट्स है, माने फूलों का प्लांट्स है, फिर ट्रीज हैं बहुत ही कुछ, वो सब उन्हीं का जमीन है, मतलब है उन्हीं का, जिनका मतलब घर है उन्हीं का जमीन सामने की तरफ में खुला पड़ा है, बहुत बड़ा एरिया में पूरा एकदम। और वो लोग क्या करते थे, पूरा घास का कटिंग वटिंग करवा करके खूबसूरत सजाने का, और खाने पीने का अरेंजमेंट भी कहाँ होगा, वो लॉन एरिया में ही होगा, उस फील्ड में, मतलब फील्ड बोलो लॉन बोलो जो भी बोलो, उनके सामने जो गार्डन है उसी में ही वो सारा खाने पीने का अरेंजमेंट रहेगा, लोगों के बैठने का चेयर वगैरह सब कुछ वहीं पर अरेंज रहेगा। और उस जमाने में दोपहर में ही खाने पीने का प्रोग्राम होता था, रात में का प्रोग्राम बहुत कम होता था। क्यों होता था रात का कम, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम। आप देखिए आज इलेक्ट्रिसिटी है तो आप जला ले रहे हो, उस जमाने में क्या होता था, जो भी प्रोग्राम होता था दोपहर का प्रोग्राम होता था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी था नहीं तो लोग दिन में ही सारा प्रोग्राम अरेंज करते थे जो भी हो। तो मिस्टर और मिसेस सेरेडॉन जो थे उन्होंने एक पार्टी रखा था अपने गार्डन में। इज दैट क्लियर, इसीलिए चैप्टर का नाम गार्डन पार्टी है। ये तो समझ में आ गया। अब कोई एक पार्टी होता है तो देखोगे जेंट्स लोगों का क्या है, एक पार्टी अरेंज कर देंगे, बोलेगा नहीं कल एक पार्टी होगा, ठीक है वो लोग अरेंज कर। सबसे ज्यादा अगर परेशान कोई रहता है पार्टी को लेकर के, उस पार्टी को लेकर, तो महिलाएं, हाँ या ना, उनको सबसे ज्यादा चिंता है। क्यों, जेंट्स लोग क्या करेंगे, वो एक चेयर में बैठ जाएंगे, दो चार जन मिलकर के गपशप करते रहेंगे, ए चाय लेकर आओ, ए उनको पानी पिलाओ, ए उनको मिठाई, वो आए हैं जरा उनको मिठाई दो, ये करते रहेंगे, मतलब ऑर्डर करते रहेंगे। माँ सबसे परेशान, हाँ या ना, और माँ को, माँ का घर की जो मदर है वो हस्बैंड पर तो उनका निकलेगा नहीं, तो किस पर निकलेगा, तुम ही लोगों पर, तुम ही लोगों पर, हाँ या ना। उल्टे उल्टे वो लोग कहते फिरती है, अब हमसे ना हुई, तुम ही लोग संभालो, है ना, तुम लोग संभालो, हमसे नहीं होने वाला ये सब, है ना, अब हम भी अब मेहमान लोगों की तरह रहेंगे, तुम ही लोगों को देखना है, और खास करके लड़कियों को, तुम लोगों को ज्यादा सुनने को मिलता है, क्या सुनने को मिलता है, एक 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 घर की एक लड़की होगी देखोगे जो खूब काम करती होगी, अच्छा सारा जिम्मेवारी उसी पर छोड़ दिया जाता है, और एक लड़की जो कि एकदम माने उसको कोई काम धाम से मतलब नहीं है, वो ठीक है उसको बोलोगे तो उठा के पानी उठा के वहां रख देगी या किसी को उठा के दे देगी, पिला देगी, बस हो गया। नहीं तो अच्छा दिन भर वो नेल पॉलिश होंठ पॉलिश इसी में लगी हुई
है ना, क्योंकि पार्टी है करके वो उसमें लगी हुई है, अपना सजने संवरने में ही लगी रहेगी। और एक है बेचारी बिना सजे सवरे बेचारी इधर भाग रही है, उधर भाग रही है, यहाँ रख रही है, वहां रख रही है, समझ रहे हो, वो एक जिम्मेवारी वाली हो जाती है, घर में एक ऐसी लड़की रहती है। ओके, तो यही माहौल रहता है उस गार्डन पार्टी का। मगर पूरे चैप्टर का जो थोड़ा सा दो चार लाइन आप लोगों को बताएं कि पार्टी का अरेंजमेंट है मिस्टर और मिसेस सेरिडन के घर पे, फुल फैमिली इंगेज है, बच्चे इंगेज हैं, लॉन एरिया को सजाया जा रहा है, सब कुछ वहाँ वर्कमैन लोग आए हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोग सजाई सजावट चल रहा है, टेंट गिरेगा, चेयर लगेगा, खाने का टेबल लगेगा, सब कुछ हो रहा है, सब सारा अरेंजमेंट चल रहा है। इनके लड़की का नाम है लौरा और एक लड़का है लौरी, ये लड़का का नाम है, ठीक है। एक और लड़की है जोश और मेग, ठीक है ना, ये लड़कियां हैं। और सैडी जो है एक सर्वेंट है, कौन है ये सर्वेंट? तो सैडी जो है ना घर की एक मेड सर्वेंट है, ठीक है ना। ये सब मैंने आप लोगों को कैरेक्टर के बारे में बताया। तो जो काम कर रहे थे ना, काम कर रहे थे, उसी में से एक व्यक्ति ने, मतलब एक जो है वर्कमैन ने, लौरा जो पूरे मैटर को देख रही थी, जो पूरा तरह से अरेंजमेंट संभाल सकती है घर की, माँ जिस पर भरोसा की हुई है, मिसेस सर्डन जो है ना उसी पर भरोसा करके बोली है बाबू तुम ही संभालो, तुम ही देखो, अब वो देख रही थी। और तभी जो वर्कमैन लोगों में से किसी एक ने कह दिया, बता दिया, इंफॉर्मेशन दे दिया कि उनके पड़ोस में ही कोई व्यक्ति था, एक्सीडेंट होकर के डेथ हो गया। अब सवाल ये है कि अगर आस पड़ोस में जब मैंने डेथ हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करने लगते हैं, प्रोग्राम को कैंसिल करते हैं। यही ख्यालात लेकर के, यही विचार लेकर के वो अपनी मदर से मिलने जाती है, फिर अपने भाई से भी पूछती है, फादर से पूछती है, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। बोले वो कौन अपने लोग थे, पड़ोस तो थे, ठीक है, अब वो गरीब लोग हैं, क्या है, मतलब गरीब हैं, उनसे हमारा कोई रिलेशन तो था नहीं, तो इतना हम लोगों को सोचने का क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि सबको इनवाइट किया जा चुका है, खर्च हो चुका है, ये सब जो आ चुका है, कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके सेंटिमेंट में ये चीज़ बैठा हुआ है कि एक व्यक्ति का पड़ोस में क्या हुआ है, डेथ हुआ है, ठीक है ना। किसके दिमाग में बैठा हुआ है, लौरा का, समझ में आ रहा है। उसका दिल नहीं चाह रहा है क्या करने के लिए, पार्टी को करने के लिए, बट रिच पीपल नेवर केयर्स विद द सेंटिमेंट ऑफ पुअर, पुअर लोगों के बारे में वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं सब रिच लोग, ठीक है ना। यही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे में कि क्या हुआ, इसी चीज़ को पूरे चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि हुआ क्या आखिर में, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले राइटर ने पूरे मोमेंट को डिस्क्राइब किया है, जिस दिन ये पार्टी होने वाला है वो दिन कैसा है ये देखिए जरा। एंड आफ्टर ऑल द वेदर वॉज आइडियल, माने वेदर जो था पार्टी के लिए, इट वॉज आइडियल वेदर, मौसम बड़ा आदर्श था, बहुत ही अच्छा था, सुहावना था। दे कुड नॉट हैव हैड मोर परफेक्ट डे फॉर ए गार्डन पार्टी इफ दे हैड ऑर्डर्ड इट, शायद इतना बेहतरीन दिन उन लोगों का और दूसरा नहीं हो सकता था जिस दिन को उन लोगों ने क्या किया था, ऑर्डर किया था, जिस चीज़ को वो लोग मैंने रखे थे, जिस दिन को वो लोग रखे थे, इतना परफेक्ट दिन और दूसरा नहीं हो सकता था। क्या था मौसम का खासियत कि विंडलेस था, विंडलेस मतलब थोड़ा भी हवा तेज वगैरह नहीं चल रहा था, नॉर्मल वार्म वार्म मौसम था, मतलब बहुत ज़्यादा कूल, बहुत ज़्यादा ठंडा में कोई आता नहीं है पार्टी में, थोड़ा सा वार्म मौसम था, थोड़ा अच्छा था। द स्काई विदाउट ए क्लाउड, आसमान कैसा था, विदाउट ए क्लाउड, बादल नहीं थे,
थोड़े भी बादल नहीं थे. ओनली द ब्लू वॉज वेल्ड विथ अ हेज ऑफ लाइट गोल्ड, हल्के गोल्ड रंग का कुहासा छाया हुआ था और पूरा नीला आसमान जो है ना हल्के कुहासा छाया से फॉग से भरा पड़ा था. हैज कहने का मतलब फॉग. As it is sometimes in early summer, ऐसा ये मौसम कैसा होता है जैसे अर्ली समर, समर आने का जो पहले का जो मौसम होता है ठीक वैसा मौसम था. The gardener had been up since dawn. Dawn means होता है early morning. Dawn मतलब होता है morning. तो gardener जो था ना माली वो सुबह से ही आया हुआ था, सुबह में आकर के अपना काम कर रहा था. Mowing, घास काट रहा था. क्या कर रहा था? Mowing the lawns, lawn का पूरा घास को काट रहा था. And sweeping them, झाड़ू मार रहा था, मतलब झाड़ू लगा रहा था. Until the grass and the dark flat roses where the daisy plants had been seemed to shine. मैंने वो वहाँ तक काट के झाड़ करके पूरा ठीक ठाक कर रहा था जहाँ पर रोजेड यानी कि जो गुलाब फूलों का जो पौधा था, डेजी प्लांट्स जो थे वो सब चमकता हुआ दिख रहे थे, वहाँ तक वो सफाई कर दिया था. एज फॉर द रोजेज, गार्डन में सबसे ज्यादा अगर अट्रैक्ट करता है तो वो कौन फूल अट्रैक्ट करता है बताइए? रोज, गुलाब. एज फॉर द रोजेज यू कुड नॉट हेल्प फीलिंग दे वुड अंडरस्टैंड एंड दैट रोजेज आर द ओनली फ्लावर्स दैट इम्प्रेस पीपल द गार्डन पार्टीज. गार्डन पार्टीज में अगर लोगों को सबसे ज्यादा अगर कोई इम्प्रेस करता है तो वो कौन करता है? रोजेज, गुलाब के फूल. The only flowers that everybody is certain of knowing, यही वो फूल होता है जिसको सारे लोग जानते हैं. बाकी बहुत सारा देखोगे फ्लावर अगर लगा दो तो लोग पूछेंगे ये कौन सा फूल है, वो कौन सा फूल, लेकिन रोजेस के बारे में everyone knowing, सारे लोग जानते हैं और खुश भी होते हैं, है ना. गुलाब से सभी लोग अट्रैक्ट करते हैं. और उस गार्डन पार्टी वाला जो गार्डन था जहां पर पार्टी होना था वहां हंड्रेड्स, यस लिटरली हंड्रेड्स हैड कम आउट इन द सिंगल नाइट. एक रात में सैकड़ों गुलाब के फूल वहां पर खिलते थे वहां पर उस गार्डन पार्टी. द ग्रीन बुशेज बोड डाउन, और जो बुशेज था झाड़ियां जो किनारे किनारे में जो झाड़ियां लगी हुई थी वो एकदम पूरा झुकी हुई थी. दो दे हैड बीन विजिटेड बाई अर्क एंगल्स, हालांकि वो बहुत ही अर्क एंगल्स कर करके सेटिंग किया गया था, जो विजिटर आएंगे उनके लिए एक एंगल बना दिया गया था, मतलब इस तरीके से वो सजावट किया हुआ था. कहाँ का? गार्डन का, लॉन एरिया का. इज इट क्लियर? और ये सब चल रहा था, ये सब ऐसा मौसम था. इधर ब्रेकफास्ट वॉज नॉट येट ओवर, अभी तक सुबह के ये लोग ब्रेकफास्ट समाप्त ही नहीं किए थे तब तक. बिफोर द मेन केम टू द पुट ऑफ द मार्क्यू, तभी वो मार्क्यू लगाने के लिए जो लोग थे वो लोग आ गए थे. मार्क्यू कहने का मतलब होता है टेंट, वो जो तंबू वगैरह लगाते हैं लोग ना, सेट करते हैं लोग, बांस लगाएंगे फिर उसको ऐसा गिराएंगे, है ना, वो सब सेट करने के लिए लोग आ गए. अब लोग आ गए तो मिसेस सेरिडन बोलती हैं, मिसेस सेरिडन से एक जन पूछता है कोई, वेयर डू यू वॉन्ट द मार्क्यू पुट मदर, माँ ये मार्क्यू को कहाँ लगाना है, मतलब ये टेंट को, ये तंबू को कहाँ लगवाना है. तो माँ एकदम कहती है ये सब तुम लोग मुझसे मत पूछो, माय डियर चाइल्ड इट्स नो यूज आस्किंग मी, कोई फायदा मेरे से पूछ के कोई फायदा है नहीं है. I am determined to leave everything to you children this year. इस साल मैंने सोचा है सारा चीज़ तुम लोगों पर छोड़ दूँ, मेरे से मत पूछो. Forget I am your mother, भूल जाओ कि मैं तुम लोगों की माँ हूँ. Treat me as an honored guest, मुझे ना तुम लोग ऐसा ट्रीट करो मानो हम एक मेहमान की तरह हैं, ठीक है ना, हमको एक मेहमान मान के चलो, तुम ही लोग सब अरेंजमेंट देखो. हाँ तो अब ये टेंट का काम, गार्डन को सजाने का काम कौन करे, क्योंकि मदर जो है यानी कि मिसेस सेरिडन कहती हैं बट मेग कुड नॉट पॉसिबली गो एंड सुपरवाइज द मेन. ये मेग जो है ना, मेग जो लड़की है उनकी एक लड़की है, कहते हैं मेग जो है ना ये जा करके वो सुपरवाइज नहीं कर सकती, अच्छा से पॉसिबली उसको कर नहीं सकती है, सुपरवाइज मतलब देख रेख करना नहीं कर सकती. सी हैड ए
शी हैड वॉश्ड हर हेयर बिफोर ब्रेकफास्ट. देखो ना, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के पहले ही उसने हेयर माने बाल वाल धो धा करके बैठ गई है. एंड शी सैट ड्रिंकिंग हर कॉफी इन ए ग्रीन टर्बन. और एक टर्बन पहन ली है और उसी में वो मतलब ये माने पी रही है, कॉफी पी रही है बैठ करके. विद अ डार्क वेट कर्ल स्टैम्प्ड ऑन ईच चीक. और दोनों गाल पर पता नहीं क्या एक गीला गीला सब चिपका ली है. नहीं होता है लड़कियां स्किन केयर होता है मैं क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, स्क्रब लगा करके जो भी हो, अब तुम ही लोग समझो. सुनो सुनो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कंपनी का ऐड नहीं करो. तो चीक के ऊपर वो लगा लेती है, लगा के बैठी हुई है. और जोश जो है, जोश छोटी वाली लड़की, द बटरफ्लाई जो कि तितली की तरह है, ऑलवेज केम डाउन इन अ सिल्क पेटीकोट एंड किमोनो जैकेट. एक सिल्क का पेटीकोट टाइप का पहन के और किमोनो माने ढीला ढाला पोशाक पहन करके देखो कैसे घूम रही है. इन लोगों पर क्या भरोसा किया जाए. तब माँ जो है कहती है, यू विल हैव टू गो लौरा, यू आर द आर्टिस्टिक वन. तुम ही थोड़ा कला पारखी लड़की हो, थोड़ा सा आर्ट वगैरह जानती हो. एक्चुअली वो गाना अच्छा गाती है, घर को अच्छा डेकोरेट करके रखती है. लौरा घर को अच्छा डेकोरेट कर सकती है, वो लॉन एरिया को बड़ा सुंदर से सजा सकती है, मेहमानों के लिए बहुत प्रेजेंटेबल बना सकती है. तो इसीलिए वो कहती हैं कि यू विल हैव टू गो लौरा, यू आर द आर्टिस्टिक वन, आप ही आर्टिस्टिक वन हो. तब लौरा क्या करती है, अपने हाथ में ब्रेड और बटर लेकर के वहां से निकल जाती है. हालांकि रिच फैमिली में जो भी माने पैसे वाले माने जो थोड़ा सा लुक्रेटिव लाइफ जो जीते हैं, सब माने एरिस्टोक्रेट जो लाइफ जीते हैं, वो लोग कभी भी रास्ता में घूम फिर करके खाते पीते नहीं हैं, है ना उनको. हाँ, या तो बैठ के खा पी करके ही काम करने में निकलेंगे, ऐसा नहीं चारों तरफ नहीं घूम घूम करके खाएंगे. तो फिर भी अवे लौरा फ्लू, वहाँ से वो उड़ जाती, मतलब उड़ती फ्लू अवे नहीं, मतलब वहाँ से वो लहराते हुए निकल जाती है. स्टिल होल्डिंग हर पीस ऑफ ब्रेड एंड बटर, अपने हाथ में ब्रेड एंड बटर ली हुई थी. असल में इट्स सो डिलीशियस टू हैव एन एक्सक्यूज फॉर ईटिंग आउट ऑफ डोर्स. मैंने उसको एक बहाना भी मिल गया था कि चलो आउट ऑफ डोर्स खाते हैं, मैंने दरवाजे के मैंने इतना ज़्यादा डिलीशियस था कि हम गेट से बाहर जा करके लॉन एरिया में खाएंगे. एंड besides, she loved having to arrange things. और खाते खाते वो चीज़ों को arrange करना वो पसंद कर रही है. She always felt she could do it so much better than anybody else. वो ये जानती थी कि जितने लोग हैं ना उनसे वो सबसे बेहतर मैंने सबसे बेहतर वो सजाने का काम लौरा कर सकती है, ये वो जानती थी. अब वो गार्डन में जाती है, वहाँ चार व्यक्ति जो वर्कमैन लोग हैं वहाँ ऑलरेडी खड़े हैं. फोर मैन इन देयर शर्ट स्लीव्स स्टूड ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द गार्डन पाथ. गार्डन के रास्ते में चार व्यक्ति ऑलरेडी वहाँ पर एक इकट्ठे खड़े थे. दे कैरीड स्टाफ्स कवर्ड विद द रोल्स ऑफ कैनवास. वे लोग स्टाफ यानी कि बांस वगैरह का लेकर के, लाठी टाइप का लेकर के, उसमें कैनवास जो तंबू का जो होता है वो उसमें लपेटा हुआ था, वो लेकर के आ रहे थे लोग. एंड दे हैड बिग टूल बैग्स स्लंग ऑन देयर बैग्स. पीठ पर वे लोग बड़ा सा बैग जिसमें टूल्स वगैरह औजार वगैरह रखा हुआ था, नहीं होता है प्रेक ठोकने के लिए वो माने हाँ हथौड़ी वगैरह सब. दे लुक्ड इम्प्रेसिव, वे लोग काफ़ी इम्प्रेसिव दिख रहे थे लोग, जो लोग यंग मैन लोग थे. लौरा विश्ड नाउ दैट शी वॉज नॉट होल्डिंग दैट पीस ऑफ ब्रेड एंड बटर. वो सोच रही है काश हम लेकर नहीं आए होते ये ब्रेड एंड बटर, क्योंकि वो लोग खड़े थे अब उनके सामने खाना, समझ रही. बट देयर वॉज नो वेयर टू पुट इट. लेकिन अब उसके पास कोई जगह भी नहीं था कहीं रखने का, अब लॉन एरिया में है. एंड सी कुड नॉट पॉसिबली थ्रो इट अवे. और इसे वो फेंक भी नहीं सकती थी क्योंकि वो खाने का चीज़ है, फेंकेगी नहीं. सी ब्लश्ड, वह बेचारी शर्मा जाती है.